जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधा किशोरी सेवा धाम परिक्रमा मार्ग वृंदावन से आज हम सभी भक्तों ने जन्माष्टमी का पावन सब जो है संपन्न किया और बहुत धूमधाम से जो है यह उत्सव मनाया गया। उसके पश्चात में अब भगवती श्री राधा जी का जन्मोत्सव आने वाला है, जिसे हम राधाष्टमी के रूप में जानते हैं। आप कल्पना करिए, अपनी बुद्धि लगाइए और ये निश्चय कीजिए कि जन्माष्टमी और राधा अष्टमी ये दोनों ही अष्टमी तिथि को ही जन्म है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी एक ही हैं, यानी कि वो दो नहीं हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे इतिहास हमने देखे हैं जिनका जन्म हुआ अष्टमी को और जिनको बोध हुआ अष्टमी को, जिनका मरण अष्टमी को हुआ। ऐसे भी और कई महान पुरुष हुए हैं इस जगत में, जैसे महात्मा बुद्ध, उनका जन्म भी पूर्णमासी का है और उनको भगवान का जो बोध हुआ था वो भी पूर्णमासी को है, उनका शरीर संपन्न हुआ वो भी पूर्णमासी है। तो ऐसे जो योग हैं, ऐसे योग आते हैं देवताओं के, महापुरुषों के। तो भगवती श्री राधा जी के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं जो उनके जन्म को, अवतार को दर्शाती हैं। अब वैसे मैं भी स्त्रीलिंग में ही बोल रहा हूँ भगवती राधा, वैसे वो कृष्ण स्वरूपा हैं। भगवान कृष्ण राधा के बगैर अधूरे हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर राधा नहीं है तो संसार में कृष्ण जी का, राधा हैं तो ही कृष्ण भगवान हैं, यही परमात्मा कृष्ण ने अपनी लीलाओं में दर्शाया सब। और एक विशेष कथा भी राधा जी के बारे में होती है, भगवती राधा कौन है, तो कहा वो विश्व मोहिनी का अवतार भगवान कृष्ण ने जब लिया था तो तभी देवताओं ने, दैत्यों ने, सबने उनके स्वरूप को देखा और मोहित हुए। सबने अलग अलग रिश्ता जोड़ने के लिए भाव बनाया और उस समय भगवान सूर्य ने उनको भाव के रूप में देखा, पुत्री के रूप में, मेरे घर पुत्री के रूप में अवतार हो। तो कहा गया है कि भगवान सूर्य की इच्छा को पूरा करने के लिए विश्व मोहिनी भगवान, यानी कृष्ण विष्णु भगवान ने ही राधा स्वरूप धारण किया और सूर्य की इच्छा पूरी की। इसीलिए हम सब लोग जो है श्री राधा स्वरूप में भगवान श्री को ही देखते हैं, कृष्ण जी को, और कृष्ण के रूप में ही राधा जी को देखते हैं। आइए इस पावन उत्सव के रूप में हम सब लोग जो है श्री वर्षाण्य का आनंद लेंगे और श्री राधाष्टमी की एक बार सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 आप उनके साथ जुड़िए, उनकी आराधना से जुड़िए और भगवान कृष्ण और राधा को एक ही नज़र से देखिए तो ही आपकी भक्ति सफल होगी। धन्यवाद।